यूनिवर्सिटी में लेके गए हैं यहाँ से सर जी। बोलिए। 9-10 का सिलेबस मतलब बहुत ही नया है और उसमें सॉल्यूशन वगैरह बहुत है, वो काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेपरेट तो किया है लेकिन उसमें हल नहीं होता, बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और समझ में नहीं आता। टीचरों को भी ऐसा सिलेबस दिया है जो साइंस फील्ड से नहीं लेकिन पढ़ाते हैं ट्यूशन वगैरह, तो उनको दिक्कतें आती हैं। उसके लिए आप इजी से इजी कर करके कैसे बच्चों को समझ में आया, जो मतलब समझ नहीं सकते साइंस को, एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझ नहीं आती। ये 9th और 10th का बहुत ही मतलब बेनिफिट है लोगों लेकर के गए। इससे भी अगर आप उसको ईजी करके कि साइंस जो डर और खौफ है लोगों को कि ये साइंस बहुत टफ है, डिफिकल्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ 8, 9, 10 में ही बच्चे डर जाएंगे तो आगे क्या वो फील्ड अपना 11, 12 में नहीं चूज कर सकते। जो 9th और 10th का जो सिलेबस आया है उसके मुताबिक मतलब देख करके सॉल्यूशन ज़्यादा दिया है चैप्टर के हिसाब से, उसके लिए आप कुछ ऐसी कोशिश कीजिए कि सॉल्यूशन अगर दिया है उसका हल ऐसा निकाला जाए कि जैसे कोई कहानी के हिसाब से चैप्टर बना करके बच्चों को उसके जहन में हो जाए, क्योंकि उनको बहुत ही डर लगता है। पूरा मैथ जो साइंस दिया है मैथ से रिलेटेड कर दिया है, तो मैथ्स और साइंस में फिर कुछ फ़र्क ही नहीं रह गया, उसके लिए आप उसके करिए। थैंक यू। चलिए।